नमस्कार दोस्तों, एनामोल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और एक बड़ी अच्छी डिमांड मेरे को बार बार की जा रही थी कि हम किसी तरीके से जो पैथोलॉजी लैब में जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बड़ी समस्या का निजात दिलाया जाए। और वह समस्या थी कि जब भी वो अपने लेबोरेटरीज के जो ग्लासवेयर्स हैं, बीकर, पाइपेट्स वगैरह वगैरह, उनको जब धोने जाते हैं तो उनको बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी। समस्याएं किस तरह की, किसी जमाने में वह भी आपके जैसा था। और मैंने एक समस्या बड़ी फेस की थी कि यूरिया की किट के अंदर हमेशा ही रिजल्ट्स गलत आते थे, या क्रिएटिनिन के अंदर रिजल्ट्स हमेशा गलत आते थे। मैंने एक चीज नोटिस किया कि उन लेबोरेटरीज के अंदर जब अपना ग्लासवेयर जब धोया जाता था तो वो एक साधारण लिक्विड सोप से धोया जाता था और उसके अंदर अमोनियम आयंस थे, जिससे कारण हमेशा यूरिया के रिजल्ट्स गड़बड़ाते थे। बहुत आसान था मेरे लिए कि जिस कंपनी का वो रिएजेंट था उसको बुला के और सारी प्रॉब्लम समझाने का और रिप्लेसमेंट मांगने का। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि ये हमेशा समस्या का समाधान नहीं है। तो दोस्तों, मैंने एक चीज अच्छी तरह से ढूंढी कि क्यों नहीं इस सब्जेक्ट को, इस विषय को ठीक से समझाया जाए कि ये ग्लासवेयर क्यों हमेशा परेशान करते हैं और इसका रास्ता क्या है। मैंने हमेशा एक जड़ने की जड़ ढूंढी, वो क्या थी कि हम लोग ग्लासवेयर धोने को एक ऐसी चीज मानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। मैंने अपने प्यून को या अनएजुकेटेड लेबोरेटरी असिस्टेंट को ये काम दे दिया। जब भी वो ग्लासवेयर हाथ में लेता धोने के लिए, जब उसको ऐसे कांच के अगेंस्ट में देखता था तो उसको साफ सुथरा ग्लासवेयर नजर आता था, वो ये समझ लेता था कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको धोने की क्या जरूरत है, ये बॉस तो ऐसे ही बोल रहा है मेरे को धोने के लिए। पानी से धोकर हमको वापस दे देता था, हर चीज में देख नहीं सकता वो कैसे धो रहा है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी कि ये जो कॉन्टामिनेंट्स या जो वो मटेरियल जो मेरे आने वाले टेस्ट में उस ग्लासवेयर को यूज करके किए जाएंगे, उसके अंदर रिजल्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ आने लगी थी। और वो गड़बड़ क्यों आती थी, क्योंकि ग्लासवेयर अगर ठीक से नहीं धोया गया तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलते थे, बहुत सारे प्रोटीन्स जो मिलते थे जो नंगी आंख से दिखाई नहीं देते हैं, और बहुत सारे लिपिड्स जो तैलीय पदार्थ हैं वो अंदर घुले रहते थे, लेकिन नंगी आंखों से दिखाई नहीं देने के कारण उस लैब बॉय को वो हमेशा क्लीन ग्लासवेयर नजर आता था, लेकिन मेरे लिए वो क्लीन नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इस समस्या का एक समाधान ढूंढा जाए। और आप सभी लोगों के साथ में जो मैंने ढूंढा है पिछले 30-40 साल से, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमको इन बीकर और ग्लासवेयर को, जिनको हमको बार बार लेबोरेटरी में यूज करना होता है, हमने एक उसको क्लीनिंग का या धोने का प्रोसीजर ढूंढा। और मैंने ध्यान दिया कि कभी भी उन प्रोसीजर्स के अंदर हमको लिक्विड सोप या वो साबुन जो साधारणतः हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या लेबोरेटरी के नाम पे उनको बेचा जाता है, उनमें ये प्रॉपर्टीज या ये गुण नहीं होता है कि वो हमारे ग्लासवेयर को जैसी हमारी जरूरत है वैसा धो के हमको दे सके। क्योंकि वो चीजें न सिर्फ उन केमिकल्स को निकालने के अलावा कुछ चार अपने केमिकल्स भी उन ग्लासवेयर में छोड़ देती थी, और जिनके कारण काफी परेशानियां हमको बाद में आती रहती थी, और हम हमेशा बहुत टेक्निकली सोचते हुए उन एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करते रहते थे। हमको क्या जरूरत है ग्लासवेयर को धोने के लिए, कोई सर्फेक्टेंट केमिकल। सर्फेक्टेंट का मतलब साबुन नहीं होता है, कोई भी सरफेस एक्टिव एजेंट जो उस चीज को अपना कोई प्रभाव छोड़े बिना इन केमिकल्स को या प्रोटीन और लिपिड्स को अपने अंदर घोल के बाहर निकाल सके ग्लासवेयर की दीवारों से जो चिपका हुआ है उसको, और अपने अंदर घोल ले। वो बिल्कुल क्लियर है इसके मतलब कि वो सर्फेक्टेंट केमिकल चाहिए, पानी के अंदर घुला हुआ होना चाहिए, और ये सारा सॉल्यूशन अगर हम गर्म कर सकें तो ये घोलने का जो प्रोसेस है जिसको हम बाद में फ्लश करके निकाल पाएंगे ये आसानी से जल्दी हो जाता है। आपने भी घरों में देखा होगा कि आपके जो तेलीय बर्तन होते हैं जिनमें किचन को साफ किया जाता है, अगर गर्म पानी से धोए जाए तो जल्दी साफ हो जाते हैं, और थोड़ा वक्त तो चाहिए ही चाहिए इनको। तो हमारे पास में ऐसा टब होना चाहिए जिसके अंदर हम ये सर्फेक्टेंट का सॉल्यूशन गर्म पानी के अंदर और कुछ वक्त के लिए छोड़ सके। ब्रश से घुमाना और आसान चीज हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज के अंदर ब्रश डाला नहीं जा सकता।
ये चीज करने के बाद बहुत इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जब ये चीज सारी अंदर घुल जाती है उस सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको ठीक से फ्लश करके बाहर निकाला जाए वापस से। तो हमने ये प्रोसेस कि उसको रिंसिंग या धोना, ये धोने की प्रक्रिया हमको 2 या 3 बार करनी पड़ेगी। और हर बार करने से पहले, पहली बार जब इस सर्फेक्टेंट को हमने निचोड़ के वापस से निकाल दिया उस मेन कंटेनर के अंदर ही, तो हमको झटक के जितना हो सके उतना उसकी बूंदे गिरा देनी चाहिए और रिंसिंग वाले टब में उस ग्लासवेयर को लेकर डुबो के और 1 या 2 मिनट के लिए उसको जरा हिला के और उसके बाद में उसको भी झटक के पूरा निकाल दीजिए और तीसरे टब में जाके उसको फिर से रिंसिंग दीजिए। इस तरीके से आपने जो सर्फेक्टेंट का बचा हुआ या जो गंदा सर्फेक्टेंट हो चुका है उसको भी आपने बार बार धोने के कारण निकाल दिया है। और उसके बाद अंतिम में जाके आपको डीआयनाइज्ड वाटर, हर किसी लैब में यह होता ही है, उस डीआयनाइज्ड वाटर के अंदर लास्ट की रिंसिंग या लास्ट का धोना करना जरूरी है। जब आपने ये काम कर लिया है लास्ट वाला रिंसिंग का, तो उसके बाद में अगर आपको सीधा ग्लासवेयर इस्तेमाल करना है तो आप उसको उल्टा रख के किसी स्टैंड के अंदर और उसका पानी टपकने दीजिए जितना टपक सकता है और हवा में वो ड्राई हो जाएगा। या आप चाहें तो उसको किसी गर्म हवा वाले ओवन में थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आप उसको रख सकते हैं, लेकिन आप उल्टा नहीं रखिएगा, बिकॉज उल्टा रखने से उसका सबसे क्या होता है, भाप बनने के बाद वापस बीकर में ऊपर ही बैठ जाती है। इसलिए उसको सीधा ही रखिए ताकि वो गर्म होके वो पानी और सारा चीज उड़ जाए और आपका ग्लासवेयर सूखा और क्लीन आपके हाथ में आए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैंने देखा है कि अक्सर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर क्लोराइड है या कैल्शियम है, फॉस्फोरस है या मैग्नीशियम है, ये ऐसे टेस्ट हैं जिनके अंदर अपने ग्लासवेयर को स्पेशल क्लीनिंग करनी पड़ती है, खास क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभार कुछ छोटा भी परसेंटेज अगर इन केमिकल्स का अंदर पानी का छूट जाए अंदर, तो ये हमारे रिजल्ट्स को, जिनकी कैल्शियम क्लोराइड फॉस्फोरस मैग्नीशियम, ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में टेस्ट के लिए आते हैं किसी भी पैथोलॉजी लैब में, और इसके अंदर छोटा सा भी कंटामिनेशन मिला तो पेशेंट के रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इन ग्लासवेयर को हमको स्पेशली धोना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल। नॉर्मली हाइड्रोक्लोरिक एसिड 12 नॉर्मल होता है, तो आप उसको 120 गुना डाइल्यूट कर दीजिए। दैट मींस अगर आपने 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो 120 ml पानी उसके अंदर डाल दीजिए, डीआयनाइज्ड पानी डालिएगा, ताकि ये एक नया सॉल्यूशन बन जाए जिसके अंदर आप इन स्पेशल धोने वाले ग्लासवेयर को उनके अंदर 1 या 2 मिनट के लिए डुबो के छोड़ सकें, ताकि ये जो छोटा मोटा कैल्शियम जो अंदर बचा हुआ है वो धुल के बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद में उसको रिपीटेडली डीआयनाइज्ड वाटर से 3 या 4 बार धो लीजिए और आपका ये ग्लासवेयर इन स्पेशल टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाएगा। आई होप मैं आपको ठीक से समझा पाया, लेकिन मैं आपको खास करके ये वापस बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर 2-3 गुण होने बहुत जरूरी है। एक कि ये नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट से बना हुआ हो, जैसे कि ट्राइटोन 100 है। कई बार लोग SDS भी इस्तेमाल करते हैं, सोडियम रोडिसाइल सल्फेट, जो शैम्पूज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ छोटा सा भी ट्रेस रह जाए तो हमारे एंजाइम एस्टिमेशन जैसे GOT या GPT में इसका असर हो सकता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज में भी इसका असर देखा गया। आप उनको इस्तेमाल नहीं करिए। आप नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट लाइक ट्राइटोन 100 है जो बाजार में अक्सर मिल जाता है किसी भी केमिकल सप्लायर के यहाँ पे, इसका 0.1% या उससे लेस सॉल्यूशन बना के आपके ग्लासवेयर को आप उससे धोया जा सकता हो। दूसरा, ये न्यूट्रल पीएच का होना चाहिए, pH 7 के आसपास, न एसिडिक न अल्कलाइन। तीसरा, अगर ये फॉस्फेट फ्री तरीके से बनाया जाए, क्योंकि आप डीआयनाइज्ड वाटर में इस सॉल्यूशन को अगर बनाएंगे तो आपको फॉस्फेट आयंस इसके अंदर नहीं मिलेंगे, और ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट या एक क्लीनर आपके लिए लेबोरेटरी में बन जाएगा जिसको आप बार बार लगातार यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये अपनी क्लीनिंग या सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी को जिंदा रखे हुए, इस गुण को जिंदा रखे हुए है, तब तक ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बार बार उसको छान के फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। करीब करीब 20-30 साइकिल तो आप अपने ग्लासवेयर से धो ही सकते हैं। ध्यान ये रहे कि आपका रिंसिंग बहुत बहुत मजबूत होना चाहिए। आई होप मैंने आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो को हिंदी में ठीक से समझाया है ताकि आप इसका पूरा उपयोग ले सकें। धन्यवाद।
आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप बेल आइकॉन दबाते हैं तो ऐसा जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको मैसेज आएगा। थैंक यू।